जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर स्ट्राइक आ चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, उसको नज़रअंदाज करके इस वाले बग पे आते हैं। तो मैं इसमें आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैंने फाइल अपलोड रेस्ट्रिक्शन को बाईपास किया, स्टोर एक्सेस अचीव करी और उससे अकाउंट टेक ओवर। तो यहाँ पे हमारे पास अटैकर का अकाउंट है और ये प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करने का ऑप्शन है। तो अगर आप नॉर्मल प्रोफाइल को अपडेट करेंगे तो वो हो जाएगी, लेकिन इसी SVG फाइल को अपलोड करना चाहेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा कि इनवैलिड फाइल टाइप, ओनली JPEG, PNG एंड GIF आर अलाउड। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने इसको हटा दिया, जो सिंपल PNG है इसको हटा दिया। अब हमने एक SVG फाइल बनाई जहाँ पे हमने ये कंटेंट लिख दिया कि कुछ नहीं कर रहा है। जैसे ही ये फाइल लोड होगी तो क्या होगा कि हमारा बग कोलेबरेटर का लिंक है और इस भी मतलब जहाँ पे इस फाइल को हम होस्ट करेंगे वहां से डॉक्यूमेंट जो कुकी होगी, कुकी जो होगी इस डॉक्यूमेंट, मान लो आप किसी साइट पर लॉग इन हो, मैंने एक SVG फाइल अपलोड कर रखी है इस कंटेंट के संग, तो जब ये ओपन करोगे आप तो आपकी कुकी जो है वो इस सर्वर को भेज दी जाएगी। अभी हमने प्रोफाइल चेंज पर क्लिक किया, इसको मत देखना, ये टेस्ट किया था तब का है। प्रोफाइल चेंज पर क्लिक करके हमने बर्क में इंटरसेप्ट करी रिक्वेस्ट को। ये हमने image.svg जो पहले क्रिएट करी थी ये इसको हमने सिलेक्ट किया। बर्क में जब इंटरसेप्ट किया तो आप ये देखो अपना फाइल का कंटेंट आ गया, और यहाँ पे देखो कंटेंट टाइप लिखा है image svg + XML, इसका मतलब ये कंटेंट जो है SVG XML में, XML लैंग्वेज है ना। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस इमेज को लेकर रहने देना है, इसकी जगह आपको चेंज करना है क्या, PNG। देखो कंटेंट टाइप यहाँ पे SVG + XML था जब आप अपलोड कर रहे थे, अब हमने इसको कर दिया है PNG। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनका जो सर्वर था वो सिर्फ कंटेंट टाइप को चेक कर रहा था, उसके अंदर के कंटेंट को नहीं, तो हमने बस इसी को मैनिपुलेट कर दिया। अब आप देखोगे सक्सेसफुली हमारी प्रोफाइल अपडेट हो चुकी है, और ये जो हमारा प्रोफाइल का आइकन होगा यही वाला है SVG फाइल का, इसको आपको कर लेना है कॉपी लिंक, कॉपी इमेज लिंक जो भी है। अब हम विक्टिम के ब्राउजर में आ गए, देखो विक्टिम वाला है, ठीक है ये विक्टिम है। अब इसको हमने वो लिंक भेज दिया, वो लिंक ये था प्रोफाइल और ये SVG फाइल जो हमने अपलोड कर दी है एक बाईपास टेक्निक से, कंटेंट टाइप को चेंज करके SVG + XML से PNG करके। अब जैसे ही ये बंदा इस लिंक को ओपन करेगा इसको ये इमेज दिखेगी हमारी SVG फाइल जो हमने अपलोड करी है, और तुरंत ही एक रीडायरेक्ट मिलेगा इस URL पे जो हमने वहाँ पे SVG फाइल में दिया था। ये अपने बर्थ कोलेबरेटर का लिंक है और उसकी PHP सेशन ID हमें मिल गई। ठीक है, अब हमारे बर्थ कोलेबरेटर में क्या हुआ, HTTP रिक्वेस्ट आनी शुरू हो जाएंगी, और आप देख सकते हो रेफरल हेडर में ये हमारे पास PHP सेशन ID लीक हो गई विक्टिम की। अब बस इसी को हमने कॉपी कर लिया और अपने अटैकर वाले अकाउंट में जाके कुकी एडिटर में जाके अपनी कुकी उससे रिप्लेस कर दी, और बस हमें विक्टिम का अकाउंट मिल गया। तो ये इसलिए भी कुकी चुराना पॉसिबल हुआ क्योंकि इस पे पहली बार सिक्योर फ्लैग सेट नहीं था सेशन आईडी पे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको पसंद आया हो ये बग। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।